हेलो एंड वेलकम। सो चक्रों की इस सीरीज में आज तीसरे चक्र का नंबर है, जो तीसरे चक्र का नाम है मणिपुर चक्र या सोलार प्लेक्सस चक्र। सो ये सोलार प्लेक्सस चक्र का खराब होने का क्या सिम्टम्स है और कैसे आप इसे ठीक रख सकते हो, हील कर सकते हो, इस वीडियो में आपको यही सीखने को मिलेगा। सो हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इस चक्र के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रीकी हीलिंग सिस्टम में हम मेनली चक्रों से डील करते हैं, चक्रों को हील करते हैं। जब चक्र हील होता है तो हमारे लाइफ में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होने लगता है। सो सोलार प्लेक्सस से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे पहले तो ये आपके पेट में है, जहाँ से आपका ये पेट शुरू होता है। अगर हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन बोलेंगे तो आपके जो नेवल है, नाभि है, नाभि से चार उंगली ऊपर जगह छोड़ दीजिए और उसके बाद अगर आप हाथ को ऐसे रखते हो तो वो आपका मणिपुर चक्र है। मतलब जहाँ से आपका पेट शुरू होता है, जैसे आपका ये रिब केज है और रिब केज के बीच में एक जगह है जहाँ पे आपको गड्ढा सा नज़र आता है, उस जगह पर ही अगर आप हाथ रखोगे तो वहाँ पर मणिपुर चक्र का सीट है और उसके बाद एक और हाथ नीचे रखोगे तो आपका पूरा पेट नाभि से ऊपर कवर हो जाएगा। आप मणिपुर चक्र को टच कर रहे हैं। अगर आप रेकी हीलर हैं तो वहां हाथ रख के आप हीलिंग कर सकते हैं। अब खराब होने का सिम्टम्स क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि मणिपुर चक्र खराब हो रहा है? सबसे पहले तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। गैस होने लगती है, एसिडिटी होती है, सही तरीके से खाना हजम नहीं होता, बार बार डकारें आती है, गड़बड़ी होती है, ओके? और फिर धीरे 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 कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है और आगे जाके वो पाइल्स की प्रॉब्लम बन सकती है। मतलब मेनली कहाँ से शुरू होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने से शुरू हो रहा है। वहाँ पर पता चल जाएगा कि हाँ, मणिपुर चक्र में कुछ गड़बड़ चल रही है। अब ये जो मणिपुर चक्र में खराबी आती है तो डेफिनेटली वहाँ कई सारे महत्वपूर्ण अंग है जो इफेक्ट होता है, जैसे लिवर है, गॉल ब्लडर है, स्प्लीन है। ये कुछ न कुछ खाने की चीज़ों को डाइजेस्ट करने में इनका खास महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है और यही डिस्टर्ब हो जाते हैं तो कई तरीके से खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। फिर यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण अंग होता है, पैनक्रियास। फिर वो पैनक्रियास को भी असर करता है और उसमें भी दिक्कतें आने लग सकती हैं। सो ये जो शुरुआती तौर पे जब आप खाना खाते हैं और आपके इंटेस्टाइन में जाने के बाद जो प्रोसेसिंग शुरू होता है उस खाने को डाइजेस्ट करने में, अगर वही डिस्टर्ब हो जाए तो डेफिनेटली इनडाइजेशन होता है, फिर जाके आपको कमजोरी होती है और कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और उससे सबसे पहला जो इफेक्ट देखा गया है फिजिकली, मेडिकली, वो है कि हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन शुरू हो जाता है। दूसरा, आगे जाके यही प्रॉब्लम कंटिन्यू रहे तो डायबिटीज़ का प्रॉब्लम होता है, शुगर लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि पैनक्रियास इफेक्ट होता है। सो देखा गया है कि जो नॉर्मली हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं वो सब मणिपुर चक्र के डिस्टर्ब होने से होता है। ये तो हुआ कि फिजिकली और मेडिकली जो आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कि सबसे बड़ी बात कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर चल रहा है, एक तो ये आपको समझ में आ गई। बीपी का दवाई लेते हैं, शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम किस चीज़ का है? मणिपुर चक्र के डिसबैलेंस का है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? और आपके मूड के ऊपर में चेंजेस आ सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा चलने लगते हैं, ओके? अंदर ही अंदर आप कुड़ने लगते हो, इनफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, अपने आप को छोटा समझना, शेम समझना, ये इनफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स, इनसिक्योरिटी की भावना, ये मणिपुर चक्र के डिस्टर्ब होने से होता है, ओके? सो जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में इस टाइप की चीज़ें हो रही है, आपके साथ हो रहा है या आपके परिवारजन के साथ हो रहा है, कि वो इनसिक्योर महसूस करें और वो अपने आप को इनफिनिटी कॉम्प्लेक्स से जूझ रहे हो, कॉन्फिडेंस लूज हो गया हो, एकदम लो कॉन्फिडेंस है, और सबसे बड़ी बात लेथार्जिक फील करते हैं, टायर्ड फील करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं, इसका मतलब है मणिपुर चक्र
कमजोर पड़ गया है। तो जो मणिपुर चक्र है ये पावर का सीट है, मतलब अगर आप पावरफुल महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, सुपीरियर महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, तो डेफिनेटली आपका मणिपुर चक्र अच्छा है, बैलेंस है। लेकिन उसका ऑपोजिट अगर है, आप कमजोर महसूस करते हो, लो कॉन्फिडेंस महसूस करते हो, लेथार्जिक महसूस करते हो, तो इसका मतलब है मणिपुर चक्र खराब चल रहा है। तो जब ये मणिपुर चक्र खराब चल रहा है तो हम उसे कैसे ठीक रख सकते हैं? डेफिनेटली सबसे पहली बात कि अपने खाने पर ध्यान दें। जो भी खाना खा रहे हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी वो प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए अपना खान पान चेंज करें, प्राकृतिक रूप से अपने आप को खान पान के हिसाब से चेंज करना शुरू करें। कोशिश करें कि जो कच्चा खाया जा सकता है, जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसे सैलेड्स के रूप में ले सकते हैं, मैक्सिमम कच्चा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना शुरू करें। और चूंकि मणिपुर चक्र का एक कलर है येलो, पीला रंग है, इसीलिए उसे प्रभावित करने के लिए, उसे हील करने के लिए आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी पीले रंग का फ्रूट्स और वेजिटेबल्स चूज कर सकते हो। मतलब मैक्सिमम ऐसी चीजें लो जो पीले कलर में आता हो, ओके? और उसी तरीके से आप पीले रंग का वस्त्र धारण कर सकते हो, कपड़े पहन सकते हो, आप येलो कलर को ज़्यादा तवज्जो दे सकते हो, प्रायोरिटी दे सकते हो। अपने घर में भी कोई एक दीवार येलो बना सकते हो, अपने घर में कुछ आपके बेडशीट होंगे, आपके ब्लैंकेट होंगे, वो येलो कलर में आप यूज़ कर सकते हो। कुल मिला के येलो कलर के साथ आपका एसोसिएशन होने लगे तो मणिपुर चक्र में पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। और प्लस खाने पीने का आपने ध्यान दे दिया, ओके? और सही तरीके से खाने लगे आप, मैक्सिमम जो होते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हुआ जिसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, ना लें घी, मक्खन, ये सब चीज़ ना लें फिलहाल, जब तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब चल रहा है, ओके? होगा तो नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं, एग्स वगैरह ना लें, मतलब ऐसी चीज़ें जो डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लेता हो और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि कमज़ोर पड़ गया है उसे डाइजेस्ट करने में सक्षम ना हो। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, आप रिसर्च कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ वो आप सिंपली फॉलो करें, कोशिश करें कि महीने से लेकर 3 महीने तक आप प्योर वेजिटेरियन खाना, वो भी वीगन खाना खाएं, मतलब अंडे तक भी नहीं खाना है। नॉन वेजिटेरियन फूड में आपने डेयरी प्रोडक्ट्स में नहीं लेना है। जब ये ऐसा कर पाए, अगर आप कर पाए, तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्सेशन दोगे, आराम दोगे और उसको हल्के तरीके से डाइजेस्ट करने का मौका दोगे। जब आप ऐसा करोगे तो वो रिलैक्स होने लगेगा और फिर आपके मणिपुर चक्र धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगा। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दो और उसको ऐसे खाना आप दो जो जल्दी से डाइजेस्ट हो सके, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ओके? कच्चा खाने की कोशिश करें, नहीं तो पका के खाएं तो उसमें बहुत सारे मसाले वगैरह ना लें जो आपको अंदर जाके एसिडिटी का प्रॉब्लम करें। कोशिश करें अल्कलाइन फूड लें, ओके? पानी भी अगर आप अल्कलाइन बना के ले सकते हैं तो ले। इस तरीके से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देने की कोशिश करें, ठीक है? तो जब इस टाइप से आप काम करेंगे तो आपका सोलर प्लेक्सस को हीलिंग मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ आप एक टिप दे देता हूं कि आप अपनी पावर को, कॉन्फिडेंस को इमीडिएटली कैसे बढ़ा सकते हो। मान लो कि आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, आप बहुत थके थके महसूस कर रहे हो, आपको ताकत नहीं आ रही, शक्ति नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, ओके? अगर आप रेकी हीलर हो तो ये बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ये जो सोलर प्लेक्सस है ये एक काइंड ऑफ अ चार्जिंग पॉइंट है, रिचार्जिंग पॉइंट है। जैसे कि आपका स्मार्टफोन होता है, आप जो स्मार्टफोन को देखते हो, जब भी यूज करते हो, हर 24 घंटे में एक बार आप चार्ज करते हो, लेकिन आप अपने बॉडी को जो कि बैटरी से ही चलता है उसको कितनी बार चार्ज करते हैं? मेरे ख्याल से नहीं करते हैं। जब हीलिंग आप अगर जानते हो, रेकी हीलिंग, तो आप उस जगह पर मणिपुर चक्र पर हाथ रख के हीलिंग करोगे तो वो ऐसा ही होगा जैसे कि आप उसे रिचार्ज कर रहे हो। ये उनके लिए है जो रेकी हीलर्स हैं, हीलिंग जानते हैं,
और जो हीलिंग नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने जो आपको टिप्स बताए हैं कि आप इस तरीके से येलो के साथ में एसोसिएशन कर लो, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए प्योर वेजिटेरियन खाना खाओ, कच्चा खाने की ज़्यादा कोशिश करो, सो दैट वो जल्दी से डाइजेस्ट हो, फ्रेश फ्रूट्स जल्दी से डाइजेस्ट होगा, वेजिटेबल्स जल्दी से डाइल्यूट हो जाएगा और आपको सिस्टम को आराम मिलेगा और आपका सोलर प्लेक्सस धीरे धीरे खिलने लगेगा, बैलेंस होने लगेगा, ओके। और ये जो मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र को आप सेंटर पॉइंट मान सकते हो, ओके। सो ये जो पॉइंट है यही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट है जब भी हीलिंग की बात करेंगे। सो आप अगर सिर्फ सोलर प्लेक्सस में भी हाथ रख के हीलिंग करोगे तो वो ऊपर के चक्रों को भी हील करेगा, लोअर चक्रस को भी हील करेगा, ये आप लोग एज अ प्रैक्टिशनर कर सकते हो। लेकिन जो नॉन रेकी पीपल है उनके लिए ये ईजी है समझना, बस आपको अवेयर होना है कि हाँ आपका मणिपुर चक्र डिस्टर्ब है और हाँ अब आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करना है, उसे मजबूत बनाना है, क्योंकि ये सूर्य का स्थान है, ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे फायर जलता है, जो खाना हजम होता है वो फायर से होता है, उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अग्नि से होता है, और वो अग्नि ही शांत होने लगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। फिजिकल प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया आपको, इससे मेंटल प्रॉब्लम भी होता है, स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, एंजाइटी होने लगती है, इमोशनल इश्यूज होते हैं, लो कॉन्फिडेंस में होते हैं, इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगता है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम को जन्म देता है। इसीलिए मणिपुर चक्र भी अपने हीलिंग के अगर नज़र से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको हील करना, बैलेंस करना ईजी है, बशर्ते कि आप हीलिंग जानते हो। लेकिन अगर आप हीलिंग नहीं भी जानते हो तो जिस तरीके से मैंने बताया आप उसको बैलेंस करना शुरू कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलूंगा। अगला वीडियो डेफिनेटली फोर्थ आपका चक्र होगा जो कि अनाहत चक्र है, हृदय चक्र, उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये पर्टिकुलर चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं हर सोमवार को एक लाइव वर्कशॉप करता हूँ, अगर आपको वो वर्कशॉप मेरे साथ करना है जिसमें मैं हीलिंग सिखाता हूँ, रियल प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस कराता हूँ, अगर वो आपको करना हो तो नीचे दिए लिंक पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं और मुझसे फ्री में क्लास कर सकते हैं। सो मैं आपको उस क्लास में मिलूंगा अगर आप रजिस्टर कर रहे हो, अदरवाइज इसी चैनल में अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ कहना हो मुझसे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किस तरीके का वीडियोस और देखना है। थैंक यू सो मच एंड रेकी ब्लेस यू, टेक केयर।